नया संकल्प लेने का वक्त है। वर्ष 2021 विदा होने को है और दहलीज पर 2022 खड़ा है। इस नए साल की आगवानी में सबसे पहले आइए तंबाकू गुटखे के व्यसन को त्यागने का संकल्प लेते हैं। हमने देखा है कि इसने किस कदर कहर ढाया है। कोरोना संक्रमण काल में भी इसका कम योगदान नहीं। अभी ओमिक्रॉन देश में दूसरी बलि ले चुका है तो अति के त्याग में ही भलाई है। देश की विभिन्न अदालतों ने समय समय पर तंबाकू गुटखा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। बावजूद इसके दुकानों में पान मसाला व तंबाकू की बिक्री की जा रही है। इसका उल्लेख आज इसलिए जरूरी है कि हाल ही में मौदा परिसर में पुलिस और अन्न व औषधि विभाग ने एक गोदाम में संयुक्त रूप से छापा मारा और 1 करोड़ से भी ज्यादा कीमत की प्रतिबंधित तंबाकू और गुटखे की जब्ती की गई। चौंकाने वाली जानकारी ये रही है कि इसमें पकड़े गए आरोपियों में शास्त्री नगर निवासी सुनील जुनेजा भी शामिल है, जो जाना माना बुकी है। उसकी गिरफ्तारी से एक बात और साफ हो गई है कि आपराधिक गठजोड़ है जो शहर ही नहीं आसपास के इलाकों में जहर बेच रही है। इस क्रम में यह भी समझना जरूरी है कि प्रतिबंध के बावजूद तंबाकू गुटखे की बिक्री आखिर कैसे हो रही है। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि कोरोना काल में जब सभी धंधे ठप थे तो भी तंबाकू गुटखे के तलबगारों को कोई बेचैनी नहीं हुई। हाँ, 20 रुपए तक मिलने वाला खर्रा 30 रुपए का हो गया। मात्रा में भी थोड़ी कटौती हो गई, पर घरों व अड्डों से मिलता रहा। दरअसल इसमें नकली उत्पादों का भी बड़ा हाथ है। सूत्र बताते हैं कि नामी कंपनियों के उत्पादों के नाम पर शहर में विभिन्न उत्पादों की पैकिंग की जा रही है। शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नकली माल खपाया जा रहा है। बीते दिनों शहर पुलिस ने पाचपौली क्षेत्र में छापेमारी करके एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के साथ ही नकली तंबाकू उत्पाद के कारखाने का पर्दाफाश किया था। पकड़ा गया आरोपी सदानंद पंडरी पाटिल, जो लश्करी बाग का निवासी है, वह किराए के घर में नकली तंबाकू उत्पाद का कारखाना चला रहा था। बीड़ी सिगरेट के अलावा सुगंधित तंबाकू व ब्रांडेड मावा की वह नकल तैयार करता था। 4 साल पहले भी वह नकली उत्पाद तैयार करते हुए पकड़ा गया था। लश्करी बाग में करीब 1.5 साल से वह कारोबार कर रहा था। शहर के अलावा आसपास के नगरों में कई पानठेला संचालकों से उसका संपर्क है। वह ब्रांडेड उत्पादों की तुलना में सस्ते दर पर नकली उत्पाद बेचता रहा है। तंबाकू व्यवसाय से जुड़े बड़े व्यापारियों से उसका संबंध है। शहर के हर चौथे शख्स की जेब में नागपुरी खर्रा देखा जा सकता है। नागपुर ही नहीं, पड़ोसी राज्यों में तक इसकी काफी मांग है। शहर में हर माह 30 करोड़ का खर्रा बिकने की जानकारी है। गुटखा मिलना बंद होने के बाद खर्रे का चलन बढ़ गया। शौकीनों ने खर्रे को फिर सिर पर बिठाया। बढ़ते शौक के कारण मांग बढ़ी तो इस छोटे से खर्रे का कारोबार बड़े पैमाने पर होने लगा। अकेले नागपुर शहर में हर महीने करीब 30 करोड़ रुपए के खर्रे बिकने लगे। सितंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती पर नागपुर महानगर पालिका और अन्न औषधि प्रशासन ने कार्रवाई की। कई लोगों से जुर्माना वसूला गया। इसके लिए पुलिस की मदद ली गई। कुछ समय के लिए गुटखा और खर्रा गायब हो गया, लेकिन महीना डेढ़ महीना बाद फिर से सभी दुकानदार दोगुने जोश से खर्रा बेचने लगे। ये काम अब भी धड़ल्ले से चल रहा है। खर्रे के मामले में डर पूरी तरह खत्म हो चुका है। नागपुर महानगर पालिका और अन्न औषधि प्रशासन भी इसके प्रति लापरवाही बरत रहे हैं। परिणाम स्वरूप ये कारोबार इतना फल फूल रहा है कि अन्य व्यवसाय की तरह इसका शुमार भी करोड़ों के कारोबार में हो चुका है। शहर के अधिकतर चाय या किराना दुकानों पर आसानी से खर्रा मिल जाता है। ये दुकानदार खुद खर्रा तैयार नहीं करते, बल्कि इनके पास खर्रा सप्लाई करने वाले आते हैं। मांग के अनुसार उन्हें हर रोज खर्रे की आपूर्ति की जाती है। जैसे दुकानदारों को रोजमर्रा की सामग्री रखनी पड़ती है, वैसे ही उन्हें हर रोज खर्रा भी रखना पड़ रहा है। सप्लाई करने वालों के पास होलसेल में खरीदी करने वाले कुछ दुकानदार होते हैं। दूसरे किसी भी कंपनी के उत्पाद MRP पर बेचने पर जितना प्रतिशत मुनाफा नहीं होता, उससे कई अधिक मुनाफा खर्रे पर मिलता है। इस कारण दुकानदार खर्रा बेचने पर अधिक जोर लगा रहा है। सूत्रों के अनुसार शहर के आधे से अधिक किराना दुकानों और चाय की टपरियों पर खर्रा आसानी से मिल जाता है। कुछ लोगों की खर्रा बनाने की मशीनें जब्त की गई है। कुछ लोगों पर 2 या इससे अधिक बार कार्रवाई की है। दरअसल खर्रा खाने को नागपुर वासियों ने संस्कृति बना ली है, इस कारण इसे बनाकर बेचने वाले बाज नहीं आ रहे। थोड़ा पीछे चले तो 3 अप्रैल 2021 में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से लगे गठुला भेड़ीकला रोड पर चिखली पुलिस ने एक मालवाहक में जर्दा गुटखा पाउच और तंबाकू की तस्करी पकड़ी थी। इसकी कीमत 34 लाख रुपए बताई गई थी। रायपुर से नागपुर जा रहे मालवाहक में जर्दा गुटखा पाउच के साथ मुर्रा भी लोड था। चालक अचानकपुर भाटागांव रोड से भेड़ीकला की ओर आ रहा था। सूचना मिलते ही चिखली पुलिस ने नाकाबंदी कर पकड़ा। चालक बरामद जर्दा गुटखा पाउच का कोई कागजात नहीं दिखा पाया।
चालक वाड़ी खड़गांव रोड निवासी 26 वर्षीय प्रफुल्ल ढोने ने बताया कि वह नागपुर से जॉनसन साबुन लेकर रायपुर आया था। सामान खाली करने के बाद चंद्रपुर के वसीम का फोन आया कि ट्रांसपोर्ट नगर रायपुर से सामान लाना है। ट्रांसपोर्ट नगर में एक व्यक्ति ने उसकी गाड़ी में तंबाकू पान मसाला लोड किया। इसके बाद चंद्रपुर के वसीम ने दोबारा फोन किया और सामान लेकर राजनांदगांव भाटा रोड जाकर मुर्रा लोड कर नागपुर आने को कहा। वह जनकपुर भाटा गांव से होकर भेड़ीकला में सफेद कलर की 30 बोरी में 12,96,000 रुपए कीमत की 4,800 पैकेट ईगल हल्का तंबाकू, 9,06,000 रुपए का 30 बोरी मजा खर्रा तंबाकू, 2,55,000 रुपए का सिग्नेचर पान मसाला, 15 बोरी विमल पान मसाला, 36,000 रुपए का 54,000 रुपए का 15 बोरी में पान परा गुटखा, 90,000 रुपए की विमल तंबाकू आदि मिले, जिसे जब्त कर लिया गया। तब खुद पुलिस ने साफ किया था कि नागपुर में तंबाकू गुटके की अवैध बिक्री के पीछे बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है, जिसके गुर्गे आपराधिक पृष्ठभूमि से आते हैं। राज्य पुलिस को गुटखा और तंबाकू की खरीद एवं बिक्री में शामिल लोगों के खिलाफ स्वतंत्र रूप से आपराधिक मामले दर्ज करने की अनुमति मिली है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में 5 जुलाई 2020 को एक विशेष बैठक हुई थी, जिसमें पुलिस को निर्देश दिया गया था कि वह गुटखा विक्रेताओं और तस्करों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करे। दरअसल गुटखा और सुगंधित तंबाकू की बिक्री और उपभोग पर 2012 से ही महाराष्ट्र में प्रतिबंध लागू है, लेकिन युवाओं में इन पदार्थों के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए पुलिस को स्वतंत्र रूप से मामले दर्ज करने की अनुमति दी गई है। इस आदेश के तहत जब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो गुटखा खाने वालों की तलब देख उसे बनाने वालों ने मोटी कमाई के लिए बीच का रास्ता खोज लिया। कंपनियों ने तंबाकू, कत्था और सुपारी के अलग अलग पाउच बाजार में उतार दिए हैं। नए रूप में बाजार में आ रहे गुटके में तंबाकू या निकोटिन भले ही न हो, मगर गुटखा उपलब्ध रहेगा। खाने वाला चाहे तो अलग से तंबाकू खरीद कर पान मसाले में मिला सकता है। सुपारी, कत्था और तंबाकू को अलग अलग पाउच में पैक से लागत ज्यादा आएगी, लेकिन गुटके के तलबगार कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। यह तो कंपनियों की चालाकी है, दुकान वाले भी कम चालाक नहीं। इसी तर्ज पर उन्होंने खर्रा इजाद कर लिया, इसलिए ही प्रतिबंध के बावजूद तलबगारों में कोई हंगामा नहीं है। आदरणीय सीपी सरांच्या आदेशानुसार जे अवैध गुटखा, सुगंधित तंबाकू आहे यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश होते, त्याच्या अनुषंगाने माननीय DCP सर राजमाने सर त्यांना गोपनीय माहिती मिळाली होती की पाचपावलीच्या हद्दीत ताजनगर परिसरामध्ये एक इसम असं सुगंधित तंबाखू चोरून विकत आहे म्हणून गुटखा आणि तंबाखू। आम्ही पाचपावलीची टीम, DB टीम, दोन टीम आणि DCP सरांचा स्क्वॉड असं मिळून एकत्रितरित्या ती कारवाई केलेली आहे आणि त्यात जो आरोपी आहे रियाजुद्दीन निजामुद्दीन अन्सारी वय 44 राहणार टेका ताजनगर याचे घरी रेड केली होती, तर तिथेसुद्धा आम्हाला सुगंधित तंबाखू आणि गुटखा वगैरे मिळून आला होता। तर आम्ही FDA पत्रव्यवहार केला होता, परंतु शनिवार रविवार सुट्टी असल्यामुळे त्यांचे अधिकारी उपलब्ध होऊ शकले नाही। काल त्यांचे अधिकारी इथे आम्हाला उपलब्ध झालेत आणि त्यांनी पंचनामा करून तो सगळा माल आम्ही सीज केला। सदरचा जो आरोपी आहे त्याला त्या गुन्ह्यामध्ये गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात आली आणि त्याला चौकशी केली त्याच्याकडे तपासादरम्यान की हा जो मुद्देमाल आहे तो कुठून आणलेला आहे। तर त्यात त्यांनी सांगितलं की आरोपी सुनील जुनेजा याचं पोलीस स्टेशन मदा हद्दीमध्ये गोडाऊन आहे, तिथून तो माल त्यांनी आणलेला आहे असे त्यांनी माहिती दिली। त्याच्या अनुषंगाने मग आम्ही संपूर्ण टीमसह तिथे त्या गोडाऊनवर छापा घातला आणि त्या रेडमध्ये आम्हाला तिथे भरपूर मोठ्या प्रमाणात सुगंधित तंबाखू आणि त्याचा जो गुटखाचा वगैरे मुद्देमाल आहे तो मिळून आला। त्यामध्ये प्रामुख्याने रिमझिम नावाचा सुगंधित तंबाखू आहे, त्यानंतर जनम नावाचा एक तंबाखू आहे, गुटखा, सितार, जाफरानी, जर्दा, करमचंद असे विमल असे वेगवेगळ्या प्रकारचे, परत सुगंधित तंबाखू गोल्डन युग, सुगंधित तंबाखू क्रेज, सुगंधित तंबाखू ईगल, हुक्का, शिशा। हुक्क्यामध्ये जो सुगंधित तंबाखू वापरला जातो जो प्रतिबंधित आहे तोसुद्धा याच्यामध्ये मिळून आलेला आहे आणि असा एकूण टोटल आम्ही 94,74,340 रुपयाचा गुटखा आणि सुगंधित तंबाखू जप्त केलेला आहे त्या गोडाऊनमधून। आणि त्याचप्रमाणे दोन वाहनंसुद्धा आहे त्याच्यामध्ये,
एक इनोवा कार आहे आणि एक 407 अशी एक गाडी आहे। कोरोना काल में विशेषज्ञ गला फाड़ कर चिल्लाते रहे कि पान गुटखा तंबाकू कोरोना संक्रमण की बड़ी वजह हो सकती है। लोग तंबाकू गुटखा और पान मसाला आदि खाकर इधर उधर थूकते हैं, इससे गंदगी फैलने के साथ साथ कोरोना वायरस के संक्रमण का भी खतरा बढ़ गया है। तंबाकू के सेवन से मुंह, गला, फेफड़े, कंठ खाद्य नली, मूत्राशय, गुर्दा, पैनक्रियाज, सेरेविक्स कैंसर हो सकते हैं। हृदय व रक्त संबंधी रोग तेजी से बढ़ सकते हैं। पुरुषों में नपुंसकता, महिलाओं में जनन क्षमता में कमी व अन्य प्रजनन समस्याएं होती है। सांस में बदबू, मुंह, आंखों के आसपास झुर्रियां आ जाती है। धूम्रपान करने वालों के आसपास रहने वालों में रोग की आशंका बढ़ जाती है। तंबाकू सेवन से लार कम बनती है तथा मसूड़े क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। दांत काले होने के साथ टूटने की आशंका बढ़ जाती है। सांस से बैक्टीरिया व वायरस मुंह से अंदर जाकर गंभीर रोगों को जन्म देते हैं। सिर्फ तंबाकू खाने वाले ही नहीं बल्कि गुटखा फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर और कामगार भी मुंह के कैंसर का शिकार बनते हैं। गुटखे में मौजूद माइक्रो पार्टिकल श्वास के माध्यम से इनके शरीर में प्रवेश करते हैं, जिससे श्वास नली और गला क्षतिग्रस्त होता है। आगे चलकर यह गले के कैंसर का भी रूप ले सकता है। खाद्य एवं सुरक्षा अधिनियम 2011 की धारा 2, 3 व 4 के अनुसार तंबाकू युक्त पदार्थ खाद्य पदार्थ की श्रेणी में नहीं माने जाते हैं। यही कारण है कि गुटखा बंद किए जा रहे हैं। इनमें निकोटीन होने के कारण लोगों को बीमारियां होने की संभावना होती है। सरकारी आंकड़े दिखाते हैं कि भारत में तंबाकू के उपयोग के कारण हर साल करीब 9 लाख लोगों की जान चली जाती है। धूम्रपान के उस नियम की सरेआम अवहेलना हो रही है जिसमें स्कूल और कॉलेज के 100 गज की दूरी में कोई भी धूम्रपान या तंबाकू का विक्रय न करने की साफ ताकीद की गई है। स्कूलों और कॉलेजों के सामने पान तंबाकू की दुकानें खुली हुई है। फायदे के चक्कर में रसूखदार और क्षेत्रीय नेता से अनुमति लेकर जहां जगह मिल रही है वहीं लोग पान की टपरी खड़ी कर देते हैं। तंबाकू गुटखे की बिक्री को जड़ से उखाड़ने के लिए आपराधिक तत्वों के गठजोड़ को तोड़ना होगा, अंतर्राज्यीय रैकेट का पर्दाफाश करना होगा और इसके लिए प्रशासन के साथ लोगों को भी खड़ा होना होगा, अन्यथा सफेद पोशों की शह पर जारी इस तिलस्म को भेदना संभव नहीं हो पाएगा। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।